हेलो फ्रेंड, आज फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। संजू बॉबी किचन ब्लॉग्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू मटर की सब्जी। आलू मटर की सब्जी का रेसिपी मैं आप लोगों को बताई हूँ और बना करके भी दिखाई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलते है किचन में और बनाते हैं आलू मटर की सब्जी और पूरी। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की ग्रेवी वाला सब्जी। तो उसके लिए मैं 5 आलू ली थी, इसको अच्छे से देखिए बॉईल कर ली हूँ, इसका छिलका उतार दी हूँ। 1 कटोरी मटर ली हूँ, मटर ये फ्रोजन वाला है। और मसाले में देखिए मैं क्या ली हूँ, प्याज को बारीक काट दी हूँ और 2-3 टमाटर, अदरक और लहसुन ली। इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। मसाले का पेस्ट बनाते ही मैं कढ़ाई रख दी। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें लगभग 3 से 4 स्पून में तेल डाली हूँ। तेल हमारा सरसों का है, गैस का फ्लेम आए है, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें जाएगा साबुत मसाले। साबुत मसाले में जाएगा जीरा, हरी मिर्च और 2 बड़ी वाली इलायची। इसके चटकते ही जाएगा इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। जब तक मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, मैं इस तरफ मटर को बॉयल कर रही हूँ। अगर मटर को मैं बॉयल नहीं करूंगी तो वो कच्चा जैसा लगेगा, इसलिए 5 मिनट तक इसको मैं बॉयल करूंगी। प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें जाएगा मसाला जो मैं पेस्ट बना करके रखती हूँ। अब इसको लगभग 2 मिनट तक मैं फ्राई करूंगी। अब इसमें जाएगा स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। सारे मसाले को मैं देखिए मिक्स कर दी अच्छे से। अब इसको 2 से 3 मिनट तक मैं ढक करके पकाऊंगी। 3 मिनट होते ही मैं चेक कर रही हूँ कि हमारा मसाला फ्राई हुआ या नहीं। देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए इसमें तेल अलग हो चुका है। अब इसमें जाएगा बॉईल किया हुआ मटर और आलू, इन सभी को मैं मिक्स करूंगी। देखिए आलू और मटर मसाला सब कुछ को अच्छे से मैं मिक्स कर दी हूँ, कितना यम्मी दिख रहा है। अब इसमें लास्ट में जाएगा कसूरी मेथी, थोड़ा सा मैं क्रश करके डाली हूँ। अब इन सभी को मैं ढक करके 2 मिनट तक पकाऊंगी। 2 मिनट होते ही मैं चेक कर रही हूँ। देखिए आलू और मटर पक चुका है, कितना यम्मी दिख रहा है। हमारी रेसिपी को फॉलो करिए और इस तरह से आप लोग भी आलू मटर का सब्जी बनाएंगे तो बाहर का खाना भूल जाएंगे, बिल्कुल पार्टी जैसा बना है ये। जितना पतला ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी डाल सकते हैं। अगर गाढ़ा चाहिए तो थोड़ा कम पानी डालेंगे, अगर पतला चाहिए तो थोड़ा ज्यादा पानी डालेंगे। तो मैं अपने हिसाब से इसमें पानी डाली हूँ, इसको मिक्स कर दी हूँ अच्छे से। अब मैं इसको ढक करके 5 मिनट तक पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुका है, मैं चेक कर रही हूँ सब्जी पका या नहीं। आलू मटर का सब्जी जो है बन करके एकदम से तैयार हो गया है, कितना यम्मी दिख रहा है। अब लास्ट में जाएगा इसमें धनिया पत्ता, इससे मैं गार्निश करूंगी और गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। सर्व करके आप लोगों से मैं दिखा रही हूँ। आलू मटर का सब्जी बन करके तैयार हो गया, देखिए मैं सर्व कर दी हूँ, कितना टेस्टी और यम्मी दिख रहा है। तो आप लोगों का हमारा ये रेसिपी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।